अरे कान ले कह दे भूल मनोवरम मास्तमस्तुभ्यं भूयां प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं सर्वप्रथम उत्तराखंड की भूमि है, वह भी आज मकर संक्रांति का बड़ा पर्व है। तो यहाँ पर जो सरयू है ये सरमूल से निकलती है और ये सीधे ही संजय गंगा सागर में पूरा तीर्थों को मिलाते हुए चलती है। तो यहाँ पर जो सरयू गंगा है ये उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर इसका यहाँ पर मुँह है, इसलिए इस जगह विशेष महत्व होकर के इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। और परंपरा के अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार में यहाँ पर यज्ञोपित संस्कार का जो है बड़ा ही महत्व है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग हल्द्वानी से नैनीताल से अल्मोड़ा से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार अपनी बच्चों का यज्ञ संस्कार करने के उपरांत जो है पुण्य के भागी बनते हैं और यहाँ के जो बागनाथ की जो भूमि है इसका पुण्य अर्जित करते हैं। इसका बड़ा ही एक महत्व है और क्योंकि सर्वप्रथम मुख्य बात यही है कि यहाँ पर जो गंगा जी हैं सरयू गंगा हैं यहाँ पर उत्तर को बहती है, इसलिए उत्तर बाहरी होने के कारण इस जगह का विशेष महत्व है। जी इसका महत्व सूरज कुंड का तो बहुत ही महत्व है बागेश्वर में, वो खासतौर पर मकर संक्रांति की उत्तरायणी के दिन पे। उस हम भी आज बहुत लंबे समय के बाद अपने बेटे का उपनयन संस्कार यहाँ पे कर रहे हैं और इसका महत्व यह है कि ऋषि मार्कंडे यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी तो उनका आशीर्वाद इस बागनाथ नगरी पे हमारे पे है। और बहुत क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से कई लोगों का ये शुभ काम रुका हुआ था और आज हमें बहुत खुशी मिल हो रही है कि हमको आज ये फिर मौका मिला है। थोड़ा शांत है माहौल तो इस वजह से हम अपने बच्चे का करा पा रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है और हमें काफ़ी खुशी है इस चीज़ की। जहाँ तक जानकारी यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एक तीर्थ माना गया है और काफ़ी मान्यता यहाँ की है, इसी कारण हम भी रानीखेत से यहाँ पर आए हैं अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करने के लिए। और काफ़ी मान्यता यहाँ की है, एक काशी के बराबर बागेश्वर की मान्यता मानी गई है, इसी को देखते हुए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं।